हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के सिक्स स्टैंडर्ड चैनल पर। गुड इवनिंग सताक्षी। हेलो बेटा, और कैसे हो आप? हेलो बेटा, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सर, जल्दी से आ जाइए बच्चों, जल्दी से अपने स्कूल फ्रेंड्स और ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी आ जाएं। आपको मालूम है बच्चों, अनअकैडमी जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है, मालूम है ना। और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ना, और यहाँ पर गुड क्वालिटी कंटेंट है ना। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरा लिंक जो है शेयर नहीं किया, लिंक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट सिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हेलो बच्चों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप मेरा नाम लिखिए, पूजा बत्रा, वहां पर मुझे आपको आप मुझे जो है फॉलो कर लीजिए। वहां पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा बच्चों, जिससे जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं वो आपका पता चल जाए, आपको कब मेरी फ्री क्लासेस होंगी, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, जब तक सब ऑनलाइन आते हैं तब तक मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है, मेरा 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है, और मैं यूपीएसएससी के बच्चों को गाइड करती हूँ हिंदी के लिए, और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी बच्चों आपको प्रोवाइड करता है टॉप एजुकेटर्स जो आपके एग्जाम के लिए आपको तैयारी कराते हैं, आपकी मदद करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जस्ट सिक्स सीबीएसई कोर्स बेटा लेकर के आया, इसमें सारे सब्जेक्ट्स बच्चों आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, आपकी अच्छी सी तैयारी कराएंगे। जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उसमें आपका अच्छा कमांड हो उसकी अच्छे से तैयारी कराएंगे। यहाँ देखिए, इस पर जो है डेली लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, आप अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो क्लास और आपका जो मेन आपके साथ क्या है कि आपका जो सिलेबस है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास सिक्स का सारे सब्जेक्ट्स का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपके आपका क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी कराई जाती है, और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, आपकी क्विज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इतने बच्चों में आपकी क्लास में जैसे आपके टेस्ट होते हैं उसी तरीके से आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपके जब भी टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, आप किस में वीक हैं, किस में आपका अच्छा कमांड है किस सब्जेक्ट पर। तो अगर जिसमें आप वीक हैं वो जो है आप सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, आप सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल नहीं भूलिए। यहाँ पर देखिए, आपको लाइव क्लासेस, यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको तैयार कराते हैं, कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, उमेरा मैम एंड हिना मैम, ये सब टॉप एजुकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं जो आपकी अच्छे से तैयारी कराते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स पर इनका कमांड है। और बच्चों अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी ऑनलाइन आ जाए, फिर हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर कॉम्प्रेंसिव सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, हिंदी में 6 कोर्स हैं, मैथमेटिक्स में आपके 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज हैं, सोशल स्टडी में आपके 3 कोर्सेज हैं,
अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, जल्दी से बच्चों आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो आप सारे सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए देखिए आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करिए और उसको उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप ये देखिए सब्सक्रिप्शन लेकर के बच्चों आप सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वन मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल यहाँ पर 2500 का है, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और आप ट्यूशंस लेते हैं तो आपकी फीस कितनी जाती है एक एक सब्जेक्ट की, आप मैथ्स केवल लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप वन मंथ में 2500 देते हैं और आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपेयरिंग कराई जाती है और अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, क्विज होगी जिसके अकॉर्डिंग आपके अगर उसमें अगर उस सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो उस पर अच्छे कमांड के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों केवल 10,000 का है और उसमें भी देखिए आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल 1,667 की है। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,500 का है, जो पहले देखिए 15,000 का था, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट देखिए कितनी चीप है इसकी, 1,215। बताइए आप सारे सब्जेक्ट बच्चों पढ़ रहे हैं, आप 24 मंथ्स में देखिए 25,000 है और जबकि पर आपकी इंस्टॉलमेंट देखिए पर मंथ 1,042 रुपीज है। आप बताइए इतना चीप कहीं मिलेगा कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ेंगे और टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, और अगर आप उस सब्जेक्ट में वीक हैं तो आपकी अच्छी से तैयारी होगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आप एजुकेटर जो आपके टीचर्स होंगे आप उनके वीडियोज आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे का, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का नया लेसन स्टार्ट करती हूँ, सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इसमें से एग्जाम वगैरह में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें आप बहुत कंफ्यूज भी होते हो, किसी किसी टॉपिक में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो सर्वनाम में छांटने में, सर्वनाम पहचानने में आप गलती कर देते हो कि कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम कहते किसे हैं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम की जगह पर आप संज्ञा, जो आपके आसपास जो चीजें होती हैं जो सजीव भी होती हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों हुआ, सजीव भी होती हैं निर्जीव भी होती हैं, जिसमें जान होती है उसे सजीव कहते हैं, जो निर्जीव होती है जिसमें जान नहीं होती उसे निर्जीव कहते हैं। आपके अगल बगल जो चीजें हैं बच्चों उन सबके नाम हैं, तो उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण देखिए, अच्छा मानसी मेरी बहन है, मानसी की जगह आपने आप प्रयोग कर सकते हैं इसकी, वह मेरी बहन है ना, वह मेरी बहन है, तो मानसी के स्थान पर मानसी क्या है यहाँ पर संज्ञा है, मानसी के स्थान पर आपने क्या प्रयोग किया, वह प्रयोग किया, तो वह क्या हुआ सर्वनाम हुआ, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आपने जो प्रयोग किया है जो शब्द प्रयोग किया है उसको क्या कहेंगे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मानसी सातवीं कक्षा में पढ़ती है, तो आप उसी को मानसी को आप बार बार प्रयोग करेंगे, तो मानसी को आप बार बार प्रयोग ना करें के लिए क्या बना, ये देखिए वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है और वह हम किसे कहते हैं सर्वनाम को कहते हैं। जल्दी से बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए और भी बच्चे क्लास में आ जाएं, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपके मार्च में फाइनल एग्जाम होंगे, आपके अच्छे से तैयारी हो जाए जिससे कि नमस्ते श्रीनिवास और कैसे हो बेटा, क्या आवाज नहीं आ रही है, ठीक है मैं थोड़ा सा तेज बोलती हूँ। नहीं बेटा आज मेरी जो है क्लास 1 बजे की नहीं थी,
हाँ बेटा क्विज है, आखिरी में क्विज भी है, पहले आप ये समझो, उसके बाद क्विज भी है। आप ये समझो तो देखते हैं हम आप कितने आंसर आप सही देते हो, आपको सर्वनाम कितना समझ में आया। नहीं बेटा कल से हमारी क्लास होगी 1 बजे, कल से जैसे हमारी क्लास रोज होती थी 1 बजे, 1 बजे होगी, शाम को हमारी 6 बजे क्लास होगी। और बच्चों आप कैसे हो आप? चलिए देखिए समझिए फिर हमें, आप जो क्विज होगी आप उसके जवाब दे दीजिएगा, तो हम देखते हैं आपको कितना समझ में हम आया, हमारा टॉपिक आया। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए लिंक, इसका दूसरा पार्ट भी है बेटा, आप पहले ये समझिए, इसका दूसरा पार्ट भी अभी समझाते हैं आपको, इस सर्वनाम के भेद आगे। ये देखिए उसने कविता सुनाई, तो आप इसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं कि मानसी ने कविता सुनाई, मानसी को आप दोबारा ना लिखें इसलिए आपने सर्वनाम का प्रयोग किया, उसने कविता सुनाई, अर्थात संज्ञा के स्थान पर, मानसी संज्ञा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आपने प्रयोग किया सर्वनाम, उसी को हम कहते हैं, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया वहां उसने, इन्हीं शब्दों को हम क्या करते हैं, कहते हैं सर्वनाम बच्चों, कहते हैं। जैसे ये गाड़ी किसकी है, ये आपने प्रयोग किया, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। वह नाच रही है, नाच से पहले आपने क्या प्रयोग किया, वह। तुम्हारे पापा आए थे, पापा से पहले तुम्हारे, या अर्थात हम सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, यह, वह, तुम्हारा, उसको, मेरा, ये सब शब्द क्या है हमारे, क्या है, सर्वनाम शब्द है। आप, आपको सर्वनाम की परिभाषा तो मतलब पता चल गई ना कि सर्वनाम कहते किसे हैं, या आपके अगर एग्जाम में आती है तो आप लिख सकते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग समस्त संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। हेलो हेमंत, और कैसे हो बेटा? हमें याद है आप क्लास मेरी अटेंड करते हो। ये देखिए संज्ञा के स्थान पर जितनी संज्ञा है, सर्वनाम और संज्ञा के अंतर बताएं बेटा, हमने आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि जो आपके आसपास की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं सबका नाम है, उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो आप प्रयोग करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आप एक उदाहरण देखिए, आप कहते हैं अच्छा आप श्रीनिवास, ये देखिए आप, हम श्रीनिवास कक्षा 6 में पढ़ता है, ठीक है, ये आपने वाक्य बनाया श्रीनिवास, यहाँ पर क्या हुआ हमारा, संज्ञा नाम है ना, मैंने आपको संज्ञा समझाई थी, श्रीनिवास क्या हुआ यहाँ पर, संज्ञा। अब आप कहते हैं इसी की जगह पर वह कक्षा 6 में पढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वह जो आपने प्रयोग किया उसे हम सर्वनाम कहेंगे। यही बेटा सर्वनाम और संज्ञा में अंतर है, समझ में आया, सर्वनाम और संज्ञा में अंतर समझ में आया कि क्या होता है, यही है सर्वनाम और संज्ञा में अंतर क्या है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम क्या है, आप संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं संज्ञा और सर्वनाम में अंतर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद होने चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। अब इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सर्वनाम के भेद अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसको समझिए कि ये क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए, इनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में 3
इसके अभी तीन हम बताते हैं भेद होते हैं, तो उनके द्वारा हम बताएंगे आपको। लेकिन पुरुषवाचक में देखिए, उत्तम पुरुष, आप देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं, बोलने वाला, जब अगर हम बोल रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो हम समझा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। और आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी लेक्चर के अलावा बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो यानी कि हम बोलने वाले, आप सुनने वाले और बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें मैं आई, फिर हम, तुम, मैं बोल रही हूं, मैं, तुम, आप सुन रहे हैं, वह भी सुन रहा है, वह की, ये सब किसमें है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम पुरुषवाचक के आपको बताते हैं भेद, तो उसमें आपको वो समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, अब मैं कहने वाला, अर्थात मैं आपको आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं, अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, हम, है ना, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आप सुन रहे हैं, तो तुम, तुम्हारा, आप अपने लिए, हम तुम्हारे लिए क्या प्रयोग करेंगे, तुम, तुम्हारा, आप सुन रहे हैं उसको, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको क्या कहूंगी, तुम या तुम्हारा या आपका, है ना। और अन्य प्राणी, आपके अलावा जो सुन रहे हैं, आपके अलावा जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वह, अन्य प्राणी, ठीक है। क्या आपको समझ में आया इतना बच्चों? अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास में आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पुरुषवाचक क्या होता है। उत्तम पुरुष, इसके तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बच्चों क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। हम जब अपने की, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हाँ श्रीनिवास, ये क्या हुआ आपका, हम किस लिए, आपने उत्तम पुरुष, है ना, हम प्रयोग करते हैं उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। मैं, हम, हमारा, मेरा, जो आप अपने लिए प्रयोग करेंगे उन शब्दों का प्रयोग आप उत्तम पुरुष होगा। ये अभी मैंने क्विज में भी बेटा रखा है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जब आप अपने लिए पर्टिकुलर प्रयोग करते हैं, अपने लिए, ठीक है, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको, ये आप क्या है, उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक है। अब मध्यम पुरुष, जिससे आप बात करें, जिससे बात की जाए, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, मैं, आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप अपने लिए मैं का प्रयोग करेंगे और मेरे लिए क्या करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर मैं बात कर रही हूं, तो मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करूंगी और आपके लिए क्या प्रयोग करूंगी, तुम का प्रयोग करूंगी, तुम्हारा का प्रयोग करूंगी, तुम्हें, तुमको, आपसे, आपका, है ना, आप बड़े हैं आपसे, हमसे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, आपका, आपको, आपसे, ये सब बेटा किसमें आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष, हम दोनों के अलावा जिससे, जिसके विषय में हम बात करेंगे, उसको हम प्रयोग करेंगे अन्य पुरुष में, जैसे ये, वे, उन्हें, उससे, उनको, जिन, वह, यह सब किसमें आएंगे, अन्य पुरुष में। साधारण रूप से आप बच्चों समझिए कि उत्तम पुरुष आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, मध्यम पुरुष जो सामने है, जिसके से आप बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष आप किसे बात करेंगे, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयोग करेंगे अन्य पुरुष का। इतना समझ में आया बच्चों? और अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मैं का प्रयोग करेंगे, आपके लिए मैं तुम हो जाएंगे, और आप जिसके लिए बात करेंगे वह अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पुरुषवाचक सर्वनाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बच्चों क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम स्वयं खुद ही, अपने आप ही जिस सर्वनाम का कर्ता स्वयं के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जब आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आता है निजवाचक सर्वनाम।
अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, निज मैंने क्या होता है अपना, आप अपने लिए जो प्रयोग करते हैं, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको आप क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें आप यह का प्रयोग करते हैं जो पास में चीज होती है, आपके सामने जो पास में कोई चीज रखी होती है तो उसके लिए आप यह का प्रयोग करते हैं, और आपसे थोड़ा सा दूर कोई चीज रखी होती है तो आप क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, वह, जैसे आप इंग्लिश में दिस और दैट का प्रयोग करते हैं ना। तो आप जो पास में चीज है यह निकट के लिए, और जो आप दूर चीज है तो उसके लिए क्या करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण देखिए, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं अपना काम सारा काम स्वयं मैंने अपने आप करती हूँ, यानी मैंने अपने लिए प्रयोग किया है। उसने खाना अपने आप बनाया, हाँ, उसने खाना स्वयं अपने आप बनाया, निज अपने आप, निज का प्रयोग हुआ। वह खुद चला गया, अपने आप चला गया, स्वयं चला गया, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ अर्थात अपने लिए जो भी हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, यही, वही, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, आपको निश्चय पता चलता है कि हाँ ये चीज निश्चित है, उसके लिए आप प्रयोग करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आप पास, जैसे यह मेरा कलम है, तो निश्चय है कि यह कलम जो है मेरा ही है। आप उदाहरण देखिए, यह मेरा कलम है, जो अर्थात ये पेन जो रखा हुआ है, कलम जो रखा हुआ है, यह मेरा ही, निश्चित ही मेरा ही है। वह ताजमहल है, निश्चय है कि वह ताजमहल ही है, ताजमहल की जगह कोई और चीज नहीं है वो, है ना। तो वह क्या है, ताजमहल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी कमीज वह है, जो कमीज रखी हुई है वह मेरी ही है, वह आपकी नहीं है या उसकी नहीं है, वह कमीज निश्चय रूप से मेरी ही है, तो निश्चित है वह, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिसमें कुछ, जिसमें निश्चय है कि वो चीज आपकी नहीं है, वो चीज मेरी है, या वह चीज आपके दोस्त की ही है, निश्चित है वह, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किस चीज का प्रयोग करते हैं, कोई, कुछ, किसी, है ना, जिसमें आपको निश्चित नहीं है कोई भी चीज। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु व प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो फ्रेंड्स और भी आ जाए। वह मेरा दोस्त है, हाँ बेटा, हाँ श्रीनिवास, वह मेरा दोस्त है, तो वह निश्चय है कि वह आपका दोस्त है। यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये, क्योंकि आपका फ्रेंड है वो, ठीक है ना। अनिश्चित नहीं है कि वह आपका दोस्त है भी या नहीं है, ये आपको आप इसमें कंफ्यूज नहीं है कि वह मेरा दोस्त भी है या नहीं है, है ना। आपने दूर से देखा तो आपने ये कहा कि यह लग रहा है मेरा दोस्त है, तो वहां हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको दूर से देखने पर लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि मेरा दोस्त है, तो उसे आप कहेंगे अनिश्चयवाचक। अगर आपको मालूम है यह मेरा दोस्त है, आपको निश्चय है, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों, जिससे कि वो भी ऑनलाइन आ जाए। देखिए फिर जैसे ये, वह कुछ पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ में आपको नहीं मालूम क्या पूछ रहा है, आपको हिंदी के विषय में पूछ रहा है, इंग्लिश के विषय में पूछ रहा है, या किसी का पता पूछ रहा है, मतलब कुछ पूछ रहा है, आपको ये मालूम नहीं है, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि वह क्या पूछ रहा है, ठीक है। किसी ने कूड़ा फेंका है, किसी अर्थात आपको ये चीज नहीं मालूम, आपने फेंका है, मैंने फेंका, या आपके दोस्त ने फेंका, किसने फेंका कूड़ा, आपको कुछ नहीं मालूम है, किसी ने फेंका है, तो अनिश्चयवाचक, है ना। यहाँ पर अनिश्चय, क्योंकि आपको ये ज्ञात नहीं है कि कौन व्यक्ति था,
दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिरा है, आपको नहीं मालूम उसमें क्या गिरा है ना, तो आप यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि आपको निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि आपको दूध में क्या गिरा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, आपको निश्चित रूप से जब कुछ नहीं मालूम होता है तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चे होता है, ठीक है। और यहाँ पर साधारणतः ये शब्द आते हैं, कोई, कुछ, किसी आदि शब्द आते हैं जिसमें आपको ये रहता है कि निश्चित नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको निश्चय और निश्चय में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक में से भी बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आपके पूछा जाता है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक अच्छे से समझ लीजिए, देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में, वाक्य के दूसरे, उनसे, उनमें से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं। हाँ बेटा, उनमें से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, आपको ये नहीं मालूम है कुछ लोगों में आपके दो दोस्त हैं कि तीन लोग हैं, चार हैं, कितने आपके दोस्त हैं, आपको ये निश्चित रूप से नहीं मालूम है श्रीनिवास, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप ये कहें यह दो दोस्त मेरे हैं, आपको मालूम है ये दो दोस्त निश्चय हैं आपको, तो वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको मालूम है, आपको ज्ञात है कि ये दोनों दोस्त मेरे हैं। आप अनिश्चय, आप यहाँ, आपको उन 5-6 लोगों में आपको नहीं मालूम है उन व्यक्तियों में से कि आपके दो दोस्त हैं कि तीन दोस्त हैं, आपको ज्ञात नहीं है, कुछ लोग में, कुछ में कितने भी हो सकते, दो भी, चार भी, छह भी, तो उसमें क्या होगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छे से समझिए संबंध, उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो बोओगे सो पाओगे, अर्थात आप जैसा बोएंगे, जैसा आप काम करेंगे, वैसा ही आपके साथ आगे आएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो बोओगे सो पाओगे, जो और सो ये क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द हैं, और ये देखिए एक दूसरे के साथ इनका संबंध है, तो यहां पर क्या होगा हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो और सो ये सर्वनाम शब्द हैं, इनका आपस में संबंध है, आप जैसा बोएंगे, जैसा आप काम करेंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, है ना, यही तो कहते हैं। तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो आपको खुशी होती है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं किसी में और आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो मेहनत का फल मीठा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हो आप ये, जैसा करोगे वैसा परो वैसा आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने जैसा किया था, आपने मेहनत नहीं की तो आपके ऐसे नंबर आए, आप फेल हो गए क्लास में, कहते हैं ना आप, ठीक है, आपने मेहनत नहीं की, आपके इतने कम नंबर क्यों आए, इसीलिए आए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इससे क्या होता है, ये आपने जैसी वैसी, ये सब क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, और ये क्या है, जैसी वैसी, जो सो, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जो इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यहां तक बच्चों समझ में आया? आपने अपने दोस्त को लिंक शेयर किया, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को? आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं आपको जो है अच्छे से तैयारी करा पाऊं। बच्चों आप मेरी क्लास अटेंड करिए, दोपहर में मेरी 1 से 2 बजे क्लास होती है, शाम को मेरी 6 से 7 बजे क्लास होती है। मैं आपको हिंदी हिंदी व्याकरण का बेसिक से आपकी तैयारी कराऊंगी, तो आप अच्छे से सारी क्लासेस मेरी अटेंड करिए कि आपका हिंदी व्याकरण में अच्छे से तैयारी हो और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए, वे सर्वनाम शब्द
जो प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप करते हो, आप प्रश्नों का प्रयोग करते हो, यह तुम वह मेरा, है ना, कौन क्या किसका, उनके स्थान पर आप क्या प्रयोग करते हो? कौन क्या किसका किसे किन्हें कहाँ, ये सब क्या है? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। अब आपने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, आपने अपने दोस्त से प्रश्न पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आप बाहर जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, वो क्या है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम तुम लगा है। कहाँ आपने प्रश्न पूछा, आप ये देखिए डिब्बे में क्या है, क्या है, क्या है ये यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह किसका दोस्त है, वह किसका दोस्त है, किसका प्रयोग किया आपने, वह क्या हुआ हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा हुआ। ठीक है, अब ये आप सर्वनाम शब्दों से जो भी प्रश्न पूछेंगे तो आप वो क्या कहलाएगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपको इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी सर्वनाम में? अच्छे से समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह मेरा दोस्त है और यह मेरा दोस्त है, और वह मेरा दोस्त है और यह मेरा दोस्त है। नमस्ते सक्षम, और कैसे हो बेटा? आज बहुत देर से क्लास आपने अटेंड की। सर्वनाम का जब चैप्टर पूरा खत्म हो गया, चलिए आगे हम क्विज स्टार्ट करते हैं। मैंने भी सर्वनाम समझाया, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अब मेंटी स्टार्ट हो रही है, चलिए क्विज स्टार्ट हो रही है ना प्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना सर्वनाम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आप ये बताइए। चलिए बच्चों बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? मैंने अभी आपको पुरुषवाचक, हाँ नवनीत, चलिए क्विज अटेंड करिए। चलिए बताइए यहाँ यहाँ पर, हाँ हेलो बेटा, चलिए बताइए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा नहीं है? वहां तुम, कौन, मैं, कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम? कौन, वेरी गुड श्रीनिवास, हेलो बेटा, चलिए यहां पर कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम? कौन, कौन कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है कौन? आपको मैंने अभी बताया ना प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहां पर, तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम वहां तुम मैं, ये शब्द क्या है हमारे? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वेरी गुड श्रीनिवास, चलिए वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड रमनी। चलिए आगे देखते हैं, किसका कौन सा सर्वनाम है, किसका बताइए? निजवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जल्दी बताइए किसका कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है बच्चों की प्रश्नवाचक सर्वनाम है? चलिए कोई बात नहीं सक्षम, हाँ वेरी गुड श्रीनिवास, आपका जवाब सही है। चलिए और देखें आपके फ्रेंड्स और क्या जवाब देते हैं, किसका कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, किसका हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कोई बात नहीं बेटा, चलिए बाकी ये क्विज हो रही है ना, चलिए उसका जवाब दीजिए। वेरी गुड सक्षम, कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसका हमारा कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बताइए, सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का कि लिंग का? सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है कि लिंग का? वेरी गुड सक्षम,
सही है ये, वेरी गुड नामप्रीत। हाँ बेटा ये क्विज़ी चल रही है, उसका जवाब दीजिए। सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का या लिंग का, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, जल्दी बताइए। लिंग का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर आप स्त्रीलिंग प्रयोग करते हो चाहे आप पुल्लिंग प्रयोग करते हो, वेरी गुड श्रीनिवास। अगर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ भी आप प्रयोग करोगे तो सर्वनाम पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, निजवाचक की प्रश्नवाचक। वेरी गुड नामप्रिय, आगे बताइए। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, आप ये सही जवाब अगर सारे देते तो आपका सर्वनाम अच्छे से तैयार है, अर्थात आप जो एग्जाम में आपके आएगा ना तो आप पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। आपके 5-5 मार्क्स की ग्रामर में आता है, आपके जो हिंदी व्याकरण का आता है, हिंदी लिटरेचर का आता है और हिंदी व्याकरण का आता है ना, गद्य पद्य करके आता है और व्याकरण आता है, तो उसमें आप पूरे नंबर लेकर के आएंगे, जल्दी बताइए। वेरी गुड, स्वयं के लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वेरी गुड श्रीनिवास, वेरी गुड नामप्रिय। हाँ इसमें स्वयं के लिए आप अपने लिए क्या प्रयोग करते हो, निजवाचक का प्रयोग करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। आगे देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम है कौन सा है, मैं, हम, वे, आप। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है बच्चों, मैं कि हम है, वे आप है, कौन सा है, जल्दी बताइए। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है हमारा, मैं, हम, वेरी गुड श्रीनिवास, वेरी गुड सक्षम। उत्तम पुरुष सर्वनाम हमारे कौन से हैं, मैं, हम, वेरी गुड नामप्रीत। उत्तम पुरुष में मैंने अभी आपको समझाया भी, अगर कोई कंफ्यूजन हो, वेरी गुड श्रीनिवास। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष, आप जिससे बात करते हैं, यानी कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूं तो आप हुए मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष क्या हुआ, जिसके बारे में हम बात करते हैं। आप 8th क्लास में हो, हाँ 8th क्लास में बेटा, ये तो कॉमन टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम, ये तो आपकी इंटर तक आती है ना, आगे भी आपके कंपटीशन भी होते हैं तब भी आपको इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड नामप्रीत, है ना, इसमें से ये तो अच्छे से प्रिपेयरिंग, आपकी बेसिक से प्रिपेयरिंग होनी चाहिए, है ना। अब आगे बताइए, छत पर कोई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, छत पर कोई है निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। आज बहुत बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की, जो अटेंड करते थे उनको रिमाइंड करा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास जो है हमारी 6 से 7 बजे होती है, आफ्टरनून में, दोपहर में मेरी क्लास जो है 1 बजे से 2 बजे तक होती है। चलिए आगे बताइए, छत पर कोई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक की अनिश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम है बच्चों, निश्चयवाचक की अनिश्चयवाचक। हाँ कोई है, आपको मालूम नहीं है कि कौन है ना, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वेरी गुड श्रीनिवास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने पत्र लिखा है, हमने पत्र लिखा है में कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है कि प्रथम पुरुष है, बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आया। हमने पत्र लिखा है उत्तम पुरुष की प्रथम पुरुष,
कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, आपको अच्छे से समझ में आया। बहुत अच्छे। हमने किसके लिए प्रयोग करते हैं हमने, जल्दी बताइए। श्रीनिवास, सक्षम, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड श्रीनिवास। उत्तम पुरुष है, यहाँ पर कौन सा है, उत्तम पुरुष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे फल उधर रख दो, वे फल उधर रख दो, निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वे फल उधर रख दो, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वेरी गुड पलक, बहुत अच्छे। ये फल उधर रख दो, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जल्दी बताइए बच्चों, निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक। आपको मालूम है कि ये फल है, वेरी गुड, बहुत अच्छे श्रीनिवास। आज आपने मोस्टली सारे प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। आपके एग्जाम में अब आपके सरनाम जब आपके आएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, वेरी गुड पलक। निश्चयवाचक सरनाम है क्योंकि आपको मालूम है वहां पर कि आपको ये फल है जो आपको वहां पर रखने हैं, फल है ना, फल की जगह कोई और नहीं है, आपको कुछ और नहीं है, आपको निश्चय है कि ये फल है। यहाँ पर क्या होगा, कोई बात नहीं सक्षम, उनको मैसेज कर दीजिएगा कि कल जो है क्लास हमारी 1 बजे से 2 बजे तक है, कल वो क्लास हमारी जरूर अटेंड करेंगे। कल हमारा हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जो आपके में आते ही आते हैं, उसमें से 5 से लेकर के 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 6 to 8 सब में, हाँ बेटा। तो आप अच्छे से आप तैयार होकर के आइएगा, हम आपको चैप्टर्स पहले समझाएंगे और उसके बाद क्विज भी है ना, इसी तरीके से आप आंसर भी दीजिएगा, तब हम देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न आपको समझ में आया, कितना समझ में आया बच्चों टॉपिक, है ना। चलिए जल्दी बताइए कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, वेरी गुड पलक, आगे बढ़िए। संबंधवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है बच्चों, वेरी गुड पलक, बहुत अच्छे, वेरी गुड श्रीनिवास। आप अपने फ्रेंड्स को कहिएगा, देखिए आज तो सर्वनाम हुआ है और हमने सारे प्रश्न के उत्तर जो है सही दिए हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर, संबंधवाचक सर्वनाम है, मैंने आपको इसका उदाहरण भी बताया था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो शब्द है, जो सो जैसा वैसा, ये सब क्या है हमारे, क्या बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक बिल्कुल अलग है, आपको निश्चित हो कि कोई चीज है वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है बच्चों, है ना, इसलिए। सबको पता है, कोई बात नहीं, वेरी गुड पलक, अच्छा क्लास इंटरेस्टिंग थी, थैंक यू बेटा। चलिए आगे देखिए, आगे पलक जवाब दीजिए। उन्हें यहां बुलाओ, उन्हें यहां बुलाओ, यहां पर क्या है, यहां पर कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर कौन सा सरनाम है, जल्दी बताइए बच्चों, यहाँ पर कौन सा सरनाम है, उन्हें यहाँ बुलाओ, अन्य पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, कौन सा सरनाम है बच्चों यहाँ पर,
कौन सा सरनाम है? हाँ जल्दी बताइए कौन सा सरनाम उन्हें यहां बुलाओ, अन्य पुरुष की उत्तम पुरुष उन्हें आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? अन्य पुरुष के लिए, है ना। वेरी गुड पलक, बहुत अच्छे, वेरी गुड श्रीनिवास। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। वेरी गुड श्रीनिवास, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, बहुत अच्छे सक्षम, आपको अच्छे से समझ में आया। अब आपको सर्वनाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अन्य आप किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष, मैं आप अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष मैं हो गया, मध्यम पुरुष आपके लिए प्रयोग करेंगे, अन्य दूसरों के लिए प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुष। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आज आपने बहुत अच्छे से क्विज किए हैं, सारे प्रश्न आपको समझ में आए और सर्वनाम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, अर्थात आपकी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सरनाम में अच्छे से तैयारी है। अब बस एक बार आपको रिवीजन आपके एग्जाम में करना पड़ेगा और आपके पूरे पूरे नंबर लेकर के आएंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो आप अच्छे से नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब मेरी जो अगली क्लास है, अगली जो मेरी क्लास है, तो आप उसको जरूर अटेंड करिएगा। कल आपकी क्लास ऑनलाइन है, कोई बात नहीं बेटा, मेरी तो क्लास जो है, कल मेरी जो क्लास है वो 1 से 2 बजे की क्लास है, ठीक है, 1 से 2 बजे की क्लास है, तो उसे आप जरूर अटेंड करिएगा। न्यू टॉपिक है आपके, उसमें जो है प्रश्न आपके आते ही आते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू, लेकिन उससे पहले मेरा लिंक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरा लिंक जरूर शेयर कर दीजिए बेटा। यहीं तक पलक, यहीं तक क्विज थी, यहीं तक थी। कल मैं हाँ, हम लेटर राइटिंग करेंगे बेटा, आपकी 9 से 12 बजे तक क्लास होती ना, ठीक है। मेरी क्लास तो बच्चों 1 बजे से है ना, 1 बजे से 2 बजे तक होती है, तो मेरी क्लास अटेंड करिएगा, जिसमें कि आप इसी तरीके से क्विज है और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, तो आपको उसके बाद आपको क्विज करने में भी मजा आएगी, आप जब जवाब देंगे तो मजा आएगी पढ़ने में भी, है ना। उसके लिए आप मेरी क्लास अटेंड जरूर करिएगा, उससे पहले आप मेरा लिंक पहले शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड पूजा01 आप प्रयोग करिएगा, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू बच्चों।